एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रतिक्रिया। मेरा नाम पायल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कीजिए ताकि चैनल के जो भी नई अपडेट्स हैं वो आप तक फटाफट से आ जाए। सो आज का जो वीडियो है जिस पर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही गुड न्यूज़ है SR के फैंस के लिए, जो काफ़ी टाइम से एक मूवी जो आने वाली थी उसमें बहुत सारी ये सारी चीज़ें थी कब आने वाली है, डेट्स फाइनलाइज नहीं थी, बट आज ही लाइक अराउंड हाफ एन आवर अगो SRK ने खुद उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये वीडियो पोस्ट की है एंड एक अनाउंसमेंट है उनके फिल्म का जो रिलीज डेट है वो है 25th of January 2023। सो लगभग एक साल बाद उनकी मूवी आने वाली है और रिपब्लिक डे के ओकेजन पे मूवी रिलीज़ होने वाली है जिसमें उनके साथ है दीपिका पादुकोण, जॉनी ब्रैम और SRK। सो मुझे लगता है कि बहुत ही सस्पेंस अब क्रिएट होगा, जैसे कि अनाउंसमेंट आ चुका है। सो फिर बाद में टीज़र, फिर ट्रेलर, फिर सॉन्ग, सब बहुत ही बैंग ऑन होने वाला है ये। एंड मुझे लगता है 2023 में काफ़ी सारे एकदम इंटरेस्टिंग मूवीज रिलीज़ होने वाले हैं। सो अगर अभी हम आज बात करें सो ये जो अनाउंसमेंट वीडियो है वो हम देखते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं कि इसमें इस मूवी में हमें क्या देखने मिलेगा और इस बार क्या नया होगा, क्योंकि SRK और दीपिका का मुझे इनका पैर वाकई में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दो मूवीज़ इन्होंने साथ में किए, एक चेन्नई एक्सप्रेस और एक ओम शांति ओम, फिर एक और की है मूवी वो मुझे याद नहीं हैप्पी न्यू ईयर। सो यह तीन मूवीज़ इन्होंने साथ में किया एंड तीनों भी जो मूवीज़ है ब्लॉकबस्टर ही, इसमें से मेरी पर्सनल फेवरेट है चेन्नई एक्सप्रेस और ऑफकोर्स ओम शांति ओम। सो या देखते हैं हम लोग ये वीडियो, दीपिका और SRK हमें फिर से इस मूवी में साथ देखने को मिलेंगे। हमारे देश में हम नाम रखते हैं अपने धर्म या जाति से, पर उसके पास इनमें से कुछ नहीं था। यहां तक कि उसके पास कोई नाम रखने वाला भी नहीं था, अगर कुछ था तो बस यही एक देश, इंडिया। तो उसने अपने देश को ही अपना धर्म मान लिया और देश की रक्षा को ही अपना कर्म, और जिनका नाम नहीं होता उनका नामकरण के साथ ही कर देते। तो ये नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्दी मिलते हैं पठान से। पठान का अनाउंसमेंट वीडियो जो SRK ने पोस्ट किया उनके यूट्यूब इंस्टाग्राम हैंडल पे। सो इसके जो कमेंट्स है, अभी जस्ट मैंने फिर से कमेंट्स चेक किए तो ऑलमोस्ट मतलब 2 से 3 हज़ार कमेंट्स आ चुके हैं, जस्ट हाफ एन आवर अगो वीडियो आया है और व्यूज़ भी जो है वो लैक्स में आ गए हैं, क्योंकि इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हाइप है इस मूवी का। एंड ऑफकोर्स मुझे लगता है पठान और टाइगर 3 आने वाली है आगे पीछे, मतलब ये टाइगर में भी क्रिसमस में रिलीज़ हो गए, सिंक है ऐसा बोलते हैं मूवी, मतलब क्रिसमस ईद पे आएगी टाइगर और उसके बाद पठान रिलीज़ होगी। सो दोनों मुझे लगता है बहुत ही एक्शन पैक्ड कंप्लीट पैकेज मूवी होगी और दोनों ही मूवीज़ बहुत चर्चे में हैं। मुझे लगता है कि ट्रीट होगा 2023 में, और 2022 एंड में टाइगर आने का है जितना मैंने पढ़ा है, लाइक अभी तक कोई भी ऑफिशियली तो कुछ नहीं आया है। सो मुझे लगता है बीच सलमान फैन और SRK फैंस दोनों ही के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि उनको उनके फेवरेट एक्टर्स का मूवी आ रहा है। सो या मैं तो मतलब दोनों की फ़ैन हूँ, तो मैं तो दोनों के मज़े लेने वाली हूँ कि दोनों मतलब बहुत ही एंटरटेनिंग एक्टर्स हैं हमारे नेशन के, और मुझे लगता है कि देश भर से उन्हें प्यार मिलता है। तो या ओवरऑल देख के तो मुझे अच्छा लग रहा है। जॉनी ब्रैम मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाद उन्हें बड़े स्क्रीन में मैं देखूँगी, सो देखते हैं कि कैसा होगा ये फिल्म और इसके ऊपर और क्या क्या अपडेट्स आती है, मैं ज़रूर आपको यह शेयर करूँगी। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।